रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, सक्षम अधिकारियों के आदेशों को ठेका दिखाते हुए घमंड में चूर बदमस्त पंचायत सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जनपद कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे के द्वारा आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। खंड विकास अधिकारी संदलपुर के सचिव एवं तकनीकी सहायक ऋषि कुमार, वही आपको बता दें कि खंड विकास अधिकारी संदलपुर डीपी यादव ने जनता और मीडिया से अपने बयान में कहा था कराएंगे रिकवरी, फिर भी साहब ने लगा दी फर्जी आंखियां, बोले कराया गया काम, अपनी ही बात से मुकर गए वीडियो संदलपुर। आखिर ग्राम प्रधान मोहिनी देवी, पंचायत सचिव अजय कुमार और तकनीकी सहायक ऋषि कुमार को बचा रहे खंड विकास अधिकारी संदलपुर। आखिर क्या कहलाता है ग्राम प्रधान सचिव और खंड विकास अधिकारी का रिश्ता, कहीं पूरे मामले में संलिप्त तो नहीं साहब, जो रिकवरी की बात भूल कर लगा दी फर्जी आंखें। शिकायतकर्ता बोले जाएंगे इस मामले को लेकर कोर्ट, अब दोषियों को बचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। ब्लॉक संदलपुर बना है भ्रष्टाचार का अड्डा, एक मामला नहीं है, दर्जनों ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग में ठंडे बस्ते में पड़े हैं, पर नहीं हुई उनमें अभी तक कोई कार्रवाई। संवाददाता अवधेश मिश्रा। हाँ, और ग्रामीणों की ये शिकायत है कि दूसरी जगह के लोगों को काम कराया जा रहा है और यहाँ के लोग जो है उनको काम नहीं मिला है। उसकी शिकायत हम वो करेंगे, यहाँ के लोगों को काम दिया जाएगा। हाँ, और ये इसके अलावा आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, जो पैसा जो फर्जी धन का लगा हुआ है उसकी रिकवरी कराई जाएगी। थैंक यू। रिकवरी के एक और हुआ है जिन पर हमारा इंटरलॉकिंग पाथवे और घाट का निर्माण हो चुका है। जी, उसमें जो शिकायतकर्ता द्वारा जो जांच की गई, मैंने मौके में जाकर काम देखा था, सत्यापित नहीं करा सके वहाँ पर मौजूद कर्मचारी, उनके खिलाफ जो भी मनरेगा एक्ट के तहत सुसंगत प्रावधान उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। तो सर वहीं पे ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा शिकायत को भी फर्जी बताया गया, जबकि आपके पास उसकी जाँच की गई? नहीं, वो मेरे संज्ञान में आया है, मैं उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको मैं। सर जांच की कम से कम 15 दिन से ज्यादा समय गुजर गया, अभी तक कोई कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं की गई? मेरे द्वारा केवल विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है, उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा उसका एक्शन लिया जाएगा, मैंने विभागीय कार्रवाई उनके लिए।